हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और अगर तुम्हारे YouTube स्टूडियो में कुछ और वॉच टाइम दिखाता है और क्रोम ब्राउजर में कुछ और वॉच टाइम दिखाता है तो इन दोनों का मसला क्या है, इन दोनों के समस्या क्या है कि दोनों एक जैसा क्यों नहीं दिखाते हैं, इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। और तुम्हें यह भी बता दूं कि यूट्यूब पर अगर तुम काम करते हो और शॉर्ट की वीडियो ही ज्यादा अपलोड करते हो तो ध्यान में रखो कि शॉर्ट की वीडियो से तुम्हारा वॉच टाइम नहीं काउंट होगा, ये ध्यान में रख लेना। आज तुम्हें प्रमाण के साथ बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, क्योंकि हम YouTube पर आपको बगैर प्रमाण के कोई भी चीज नहीं बताते हैं। प्रमाण जब तक नहीं देंगे तब तक आप मानोगे नहीं, और प्रमाण के साथ ही जब काम करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ भैया ने जो बताया था एकदम सही चीजें बताई है। रीयूज्ड कंटेंट अगर तुम्हारे चैनल पर आ जाता है, सिर्फ एक आंख से एक बार देख लिया ना उस वीडियो को, बता देता हूं कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट पर आज तक हमने 100 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज करवाए हैं। बहुत से चैनल रिव्यू हुए हैं हमारे यहां और बहुत से चैनल बिना रिव्यू किए हुए एक बार देखा और लिख दिया उस पे कि जा भाई मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दे, ये वाला काम कर ले, दैट्स इट, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तुम्हें बताता हूं कोई भी वीडियो ऐसी मत अपलोड करना जिस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर ना लगा हो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तुम्हें एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूं। अब तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम्हारे YouTube स्टूडियो में वॉच टाइम दिखाता है 10,000 से 20,000, 50,000, 1,00,000 वॉच टाइम दिखाता है, राइट, और तुम्हारे क्रोम ब्राउजर में 200 वॉच टाइम दिखाता है, 200 घंटे, तो तुम्हारा क्रोम ब्राउजर वाला सही है, ना कि तुम्हारा YouTube स्टूडियो वाला, क्योंकि क्रोम ब्राउजर पर पब्लिक वॉच टाइम काउंट होता है और यहां पर जो आपका YouTube स्टूडियो, यहां पर पब्लिक नहीं, यहां पर वॉच टाइम सिर्फ काउंट होता है। और पब्लिक वॉच टाइम 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो जब हो जाती है तो उस वीडियो का वॉच टाइम YouTube काउंट करता है, राइट। चलो तुम्हें मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूं, बिना फैक्ट के हम बात नहीं करते। दोस्तों यहाँ पर मेरे दोस्त एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि कहता भैया प्लीज़ आप देख लो, चेक कर लो और चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। अब उसने मुझे भेजा, यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके भेज दी। अब उसने मुझे भेजा जो कि उसने बताया कि भैया 35,700 इंप्रेशन आ रहे हैं चैनल पर, यहाँ पर 1,973 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 15,780 वॉच आवर्स हो गया, वॉच टाइम हो गया है, लेकिन कह रहे सर मोनेटाइज से करें, मोनेटाइज करवा दो। और रियल टाइम बताया कि 90,924,902,430 व्यूज यहां पर आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि भैया देख लो एक बार कि 48 घंटे में इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है और मोनेटाइजेशन के लिए भिजवा दो। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, तुम निश्चिंत रहो। अब दिक्कत यह है दोस्त कि यहां पर तुम्हें दिखाऊं कि ये जो चैनल है ना, यहां पर जो वॉच टाइम दिख रहा है तुम्हारे स्टूडियो में, ये वॉच टाइम सिर्फ स्टूडियो में ही दिखेगा। अगर तुम क्रोम ब्राउजर ओपन करके ये जाकर देखोगे ना तो यहां पर ये सार्वजनिक वीडियो में वॉच टाइम तुम्हारा नहीं जुड़ेगा। यहां पर इस लड़के को शायद पता नहीं है, मैंने इसे बता दिया है कि तुम्हारा वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। शॉर्ट वीडियो की वॉच टाइम वैसे ही यूट्यूब कहता है काउंट नहीं होता, तो यहां पर तुम्हें लाइव प्रमाण दिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे चैनल पर यह दिक्कत आता है कि वॉच टाइम तुम्हारा इतना हो चुका है और फिर भी तुम्हारे क्रोम ब्राउजर पर नहीं दिखता है वो चीज, तो ये तुम ध्यान में रख लेना कि तुम्हारा क्रोम ब्राउजर वाला ही वॉच टाइम सही है, ये वॉच टाइम सही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका वो भी वॉच टाइम जुड़ जाता है जिस वॉच टाइम को यूट्यूब काउंट नहीं करता है, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो देख लिया तुमने, यहां पर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट वीडियो अगर बनाते हो तो 1 मिनट से ज्यादा की बनाओ, वो शॉर्ट में नहीं जाएगी, तुम्हारे यूट्यूब पर रहेगी, तुम पैसे भी कमाओगे और चैनल भी ग्रो करेगा, आगे चलकर तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगे, ज्यादा दूर तक जा पाओगे। लेकिन अगर सोच रहे हो सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल डालकर काम कर लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शॉर्ट वीडियो डालना बंद कर दो अगर तुम्हें पैसा YouTube से कमाना है तो, जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद तुम अपलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा दोनों जगह का डिफरेंस क्या है और अब तुम आगे से परेशान नहीं होगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।